बुरहानपुर जिले के प्रतापपुरा क्षेत्र में रहने वाली दीपिका को लाडली बहना योजना की राशि जीवन दान के रूप में साबित हो रही है। दीपिका हार्ट की पेशेंट है, उसके पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन जब लाडली बहन योजना के पैसे मिलने शुरू हुए तो अब दीपिका इस पैसों से दवाई के साथ साथ अपनी बेटी तनु को कक्षा सातवीं में पढ़ा रही है। दीपिका का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये योजना उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला रही है। बहुत, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरी एक बच्ची है और मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। ये 1000 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इससे मेरी बच्ची की थोड़ी पढ़ाई लिखाई में मदद होती है, मुझे थोड़ा घर में भी काम आ जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे को शिवराज सिंह चौहान मामा जी की तरफ से सहायता मिल रही है। और सभी को 3 किस्त आ चुकी है, 3000 रुपए हमें मिल चुके हैं। बहुत क्या करते हो? उससे थोड़ी मेरी गुड़िया है तो उसकी मैं थोड़ा स्कूल का करती हूँ, मैं घर में करती हूँ उससे। बिल्कुल बढ़ाई जाए, जो मेरे जैसी अकेले महिला है, अकेले बच्चे को पालती है, उनको बहुत सहायता इन पैसों से, तो और आगे बढ़ाए ताकि हम हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, थोड़ा घर का खर्च, हम लोगों के ऊपर बोझ कम हो गया है। बहादुरपुर गांव की लता उमाले और नीता ने कहा कि ये राशि हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रही है। हम अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए इस राशि को लगा रहे हैं ताकि उनके उज्ज्वल भविष्य बन सके। इसलिए उन्होंने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार मान लिया। ये बिल्कुल खुशी है, बच्चों की कोचिंग वगैरह की फीस भर आ जाती है, घर में थोड़ा बहुत हो जाता है। पैसा जमा 3000 रुपए आ गए। बिल्कुल हो रही है ना, बिल्कुल होती है बच्चों की कोचिंग वगैरह में, और घर का भी थोड़ा बहुत वो हो जाता है, मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा सदुपयोग हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी का देंगे। मेरे खाते में 1000 रुपये आए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ये पैसे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करूँगी। इससे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। लता संदीप उमाले है, मैं बादलपुर में रहती हूँ और मेरे को 1000 की राशि मिल चुकी है, जिसमें मेरे को घर में खर्चने के लिए आसानी होगी, और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। बुरहानपुर जिले में लाडली बहन योजना का 1,33,538 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। राशि मिलने पर महिलाएं उत्साहित नजर आ रही है। जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि डाली जा रही है, तो महिलाएं बाजार से खरीदी कर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ अपनी दवाई का खर्चा भी पूरा कर रही है।